हेलो, मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी बच्चे के लिए जे जुराब बनाना सिखाऊंगी। इसको बूट भी कहते हैं, जुराब भी कहते हैं। तो जे जहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे जहाँ से स्टार्ट होती है, इसके मैंने 32 फंदे डाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे नए डिज़ाइन बनाना बता सकूं। तो आइए इस बूट को, इसके जुराब को बनाना शुरू करते हैं। मैंने सिलाई ली है 10 नंबर की। मैंने इस पे 32 फंदे डाल लिए हैं। 32 फंदे डालने के बाद मैंने सिक्स सिलाइयाँ बुनी है, सीधी सीधी, इधर से भी सीधी, उधर से भी सीधी, उल्टी तरफ से भी। तो ये 3 लाइनें बन गई हैं। अब मैंने वाइट थ्रेड लगाना है, वाइट ऊन लगानी है। तो मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो 6 सिलाई तो ग्रीन कलर की है और 6 सिलाई ही हमने वाइट कलर की डालनी है। और सीधा सीधी सिलाई सीधी बुननी है, ऐसे सीधी सिलाई सीधी बुननी है, उल्टी सिलाई उल्टी बुननी है, ऐसे। तो मैं आपको बना के ये देखिए, सीधी मैंने बुन ली है। अब उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ तो उल्टी भी पूरी उल्टी बुननी है, ऐसे उल्टी ही बुननी है। ये देखिए, ऐसे आपने उल्टी बुननी है। ये 6 सिलाइयाँ बनानी है वाइट भी हमने। तो 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर दूसरी ग्रीन वाली लाइन बनानी है, वो सीधी सीधी ही बनानी है। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ बना के फिर आपको ग्रीन थ्रेड जो आगे लगेगा उसके लिए बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ग्रीन पहले बुनी थी 6 सिलाइयाँ, अब ये 6 सिलाई ये बुनी है मैंने। तो ये ऐसे बनेगी। अब मैंने ग्रीन थ्रेड लगाना है, ऐसे बस ऐसे लगा लेना है ग्रीन, ऐसे। और ग्रीन कलर से हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है, लेकिन सीधी सीधी, इधर से भी सीधी, उल्टी तरफ से भी सीधी, ऐसे, इधर से भी सीधी, सीधे तरफ से और उल्टी तरफ से भी सीधी। तो ऐसे ये 3 लाइनें बन जाएंगी। तो ऐसे ही आपने ये सारा डिज़ाइन बनाना है। 2 लाइनें ग्रीन की और डालनी है, वाइट डालनी है, फिर हमने आगे ये डिज़ाइन बनाना है। तो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इतना बुन लिया है। अब क्या करना है, अब ग्रीन धागा लगाना है तो आगे का जे वाला पैर बुनना है, जे वाला आगे का पैर बुनना है। कैसे, आपने ग्रीन थ्रेड लगा दिया, वाइट छोड़ दिया, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 फंदे बुने हैं। जितने फंदे थे 32, 10 मैंने फंदे इधर रख लिए, 2 4 6 8 10। जो बीच के 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12, 32 फंदे थे, 10 मैंने इधर रख लिए, 10 इधर रखूँगी और 12 जो है वो मैं बीच में बुनूँगी। सीधे ऐसे ही सीधी सिलाई बुन लूँगी। तो ऐसे ही आपने सीधी सिलाई बुननी है ग्रीन थ्रेड से। मैं पीछे के छोड़ दिए, 2 4 6 8 10, पीछे के 10 फंदे हमने छोड़ देने हैं, ऐसे सीधा बुन लेना है। ये देखिए, 2 4 6 8 10, 10 फंदे मैंने छोड़ दिए। यहीं से मैं उल्टी सिलाई में पीछे को आ जाऊंगी, उल्टे उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ भी मैं पहला फंदा उतारूंगी और इसको इधर करूंगी, फिर 12 फंदे सीधे बुनूंगी। 2 3 3 बुन लिए, 4 5 6 7
सात आठ नौ दस ग्यारह और 12। जब 12 फंदे मैंने बुन लिए हैं, फिर मैं सीधी सिलाई पे आ जाऊंगी। मैंने जहाँ से ग्रीन थ्रेड लगाया था तो 10 फंदे छोड़ के बाकी मैंने ग्रीन बुन लिए थे, लेकिन अब मैंने आगे का ये पैर बनाना है, ऐसे आगे का पैर बनाना है। तो इसके लिए मैंने 12 फंदे लिए हैं। अब 12 फंदों को मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुनूंगी, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुनूंगी। तो ऐसे आपने बुनना है। पहला फंदा हमेशा उतारना है, जिस डायरेक्शन में हो उसी में उतार लेना है। तो फिर थ्रेड को इधर करना है और फिर 12 फंदे आपने बुन लेने हैं। ये पैर की तरफ जो पीस जाता है वो है पैर बुनना है हमने। ऐसे इसको भी नहीं बुनना, इसको भी नहीं अभी बुनना, पहले इसको बुनना है पैर बनाने तक। तो मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये बुनने के बाद ये पैर स्टार्ट किया था, तो मैंने इतना 12 दूना 24 24 सिलाइयाँ बना ली हैं मैंने। 2 4 6 8 10 12 12 लाइनें बनाई है मैंने। सिलाई दो ही लगी है, इसी सिलाई से मैंने बुना है। आप इसको पिन में भी डाल सकते हैं या इसको एक्स्ट्रा सिलाई में भी डाल सकते हैं। फंदों को तो अलग से भी बुन सकते हैं। ये दोनों सिलाइयाँ छोड़ दें, इसको बुन लें। अगर साथ साथ बुनना है तो साथ साथ बुनें। और आपने पहला फंदा एज इट जैसे है वैसे ही उतारना है। इससे चेन बनेगी, क्योंकि हमने इसमें बाद में फंदे उठाने हैं। इधर से भी चेन बनेगी, ये भी फंदे हमने उठाने हैं। अब मैं आपको अलग करके भी बताती हूँ। जैसे मैंने ये बुना है तो मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा सिलाई पे भी बुन सकते हैं इसको। अगर किसी को दिक्कत होती है बुनने में कि मैं एक ही सिलाई से, ये देखिए ये सिलाई भी मैंने छोड़ दी, ये भी छोड़ दी। 10 10 फंदे ये हैं, 12 फंदे ये हैं, और ये फंदे 12 बुनने हैं और 12 ही ये लाइनें डालनी हैं। 2 4 6 8 10 12 12 लाइनें डाल के आपने इधर को आना है, क्योंकि इधर हमने ग्रीन लगाया था तो इधर भी ग्रीन ही आना चाहिए सीधा। तो ये 12 लाइनें बुनने के बाद हमने क्या करना है, इस सिलाई से फंदे उठाने हैं। जहाँ से 6 फंदे 7 फंदे उठा लो, एक 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 पीस छोड़ के 2 3, ये देखिए हमने फंदे उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 7 फंदे हमने उठाए हैं। जहाँ से 7 फंदे उठाने के बाद आपने ये फंदे सीधे ही बुनने हैं। 12 फंदे तो ये हैं और बाकी 7 फंदे ही आपने बुनने हैं। 2 3 4 4 5 6 और 7 7 फंदे आपने ऐसे बुन लिए, और साथ में ही इसको भी बुनना है। जो हमने 10 फंदे छोड़े थे उसको भी आपने ऐसे ही बुनना है, ऐसे आराम से ऐसे सारे फंदे वाइट वाले ग्रीन कर देने हैं। बस ऐसे ही आप सारे फंदे बुन लीजिए। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में आपने पूरे ही सीधे बुनने हैं, क्योंकि ये लाइनें आनी हैं जी। तो आपने ऐसे सीधा बुनना है, ऐसे सीधा बुनते जाइए। वैसे 2 सिलाइयों से ही बन जाता है। तीसरी सिलाई उनके लिए है जिनको जिन्होंने अभी सीखा है और अपने बच्चे के लिए अपने भतीजे के लिए बनाना चाहते हैं, तो किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और ये 1 घंटे में बन जाती हैं। न्यू बॉर्न बेबी हुआ है
और पास बैठे हो तो आप बैठे बैठे भी बना सकते हो, बना के गिफ्ट भी कर सकते हो। तो आपने ये सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। अब इधर से बचे हैं फंदे, इधर से भी हमने 7 फंदे उठाने हैं, सीधा कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फंदे हमने फिर उठा लेने हैं। अब इसको भी हमने सीधा ही बुन देना है, ऐसे 7 के 7 ऐसे ऐसे उठाए हैं, तो पीछे को बुन देना है इस फंदे को, ऐसे पीछे को फंदे को बुन के 7 जे फंदे हो गए। अब 10 जे थे, इनको भी साथ में ही बुन लेना है, ऐसे साथ में ही बुनाई करनी है। सिलाइयाँ सीधी सीधी आएंगी सभी, उल्टी तरफ से भी सीधी और सीधी तरफ से भी उल्टी। तो जे ऐसे पैर बन गया बच्चे का, ऐसे इसको बूट भी कह देते हैं, जुराब भी कह देते हैं। अब फिर हमने सीधी ही सिलाई बनानी है, सीधी फिर सीधी फिर सीधी। तो इसके लिए हमने कितनी लाइनें डालनी है, 1 2 3 4 5, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, 2 4 6, 6 लाइनें आपने बनानी है। सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है, 6 लाइनें बनानी है। 6 लाइनों का मतलब 12 सिलाइयाँ आपने बनानी है। ये देखिए 2 बन चुकी हैं, ये तीसरी सिलाई है। बिल्कुल सारे फंदे एक बार में ही बुन देने हैं। तो ऐसे आपने सीधे ही फंदे बुनने हैं, उसके बाद ये बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे आएगा ये डिज़ाइन, ऐसे। तो आपने सीधी ही बनानी है। ये बीच में आ गए हैं हम। अब 16 फंदे इधर हो जाएंगे, 12 फंदे जे थे, 10 फंदे जे थे, 10 फंदे जे थे, 7 और 7। इसको अगर हाफ करेंगे तो ऐसे बनेगा, जे पैर है, ऊपर की टांग पे आएगी जुराब, और जे ऐसे बनेगी, ऐसे। तो हमने क्या करना है, 12 सिलाइयाँ बनानी है। कितनी, 12 ऐसे, 12 सिलाइयाँ बनानी है। मैं बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए 23 फंदे इधर हैं, मैंने अभी 3 लाइनें बनाई है, 1 2 और 3। 23 फंदे इधर हैं, 23 फंदे इधर हैं, ये हाफ है। हाफ में आके हमने क्या करना है, 23 के अपने एक फंदा छोड़ के, जहाँ पे 20 के बाद 2 फंदे का एक करना है, एक फंदा बुनना है, फिर 2 का 1 करना है, ऐसे ऐसे, बस इतनी सी बात है। अब जब लास्ट में सिलाई आएगी 11वीं, उसमें भी हमने ऐसे ही कर देना है, और कोई गिटाई बढ़ाई कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, जब हाफ में आना है तो हमने 2 इधर घटा देने हैं, 2 इधर, 2 का 1 कर देना है, 2 का 1। और एक जब हमारी फिफ्थ लाइन आएगी, 1 2 3 फिफ्थ लाइन आएगी, तब कर देना है, उसके बाद बहुत आसान है। अब हमने 19 फंदे बुन लेने हैं, फिर 2 का 1 करना है। 19 फंदे बुनने के बाद एक बार और 2 का 1 करना है, क्योंकि जे 5वीं, 2 4 5, 5वीं 10वीं सिलाई है, 5 लाइनें, 2 4 5 लाइनों के बाद, जब 5वीं लाइन के बाद आपने सिलाई आनी है सीधी, तो 20वें फंदे पे हमने
दो का एक करना है, एक फंदा बुन लेना है, इधर से भी बीसवें फंदे में दो का एक करना है, बाकी फंदे सीधे ही बुन लेने हैं। अब एक सिलाई और आएगी सीधी, उसके बाद हमने बंद कर देना है। ये देखिए हमारी 2, 4, 6 लाइनें बन गई हैं। अब हमने इसको बंद करना है, लेकिन फंदे हाफ करने हैं, हाफ इधर हाफ इधर। हाफ फंदों को कैसे उतारना है मैं बताती हूँ। आप फंदे गिन लीजिए और उसका हाफ कीजिए, फिर उसको सिलाइयों में कैसे रख कर बंद करना है मैं बताती हूँ। ये 21 फंदे इधर हैं और 21 फंदे 21 इधर है, 21 इधर है, तो हमने 21 फंदे सिलाई से उतार के दूसरी सिलाई में डाल लेने हैं, ऐसे उतार के दूसरी सिलाई में। आप दूसरी सिलाई की दो मुंह वाली सिलाई भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अब थ्रेड इधर है तो इधर से ही कढ़ाई शुरू करनी है, थ्रेड को तोड़ना नहीं है कि उधर से कर लें, थोड़ी सी मेहनत है। ये सिलाई का मुंह इधर इधर आ गया, अब इस सिलाई का मुंह इधर करना है, तो इसको भी आप उतार लीजिए फंदे, चाहे दूसरी सिलाई की मदद से उतारिए। अगर आपसे गिर जाते हैं फंदे, अगर नहीं गिरते तो बैलेंस बना के आप दूसरी सिलाई पे भी इसको ऐसे ही ले जा सकते हैं। तो ये दोनों सिलाइयों के मुंह एक तरफ हो गए हैं, तो आप उल्टा कर लीजिए, ऐसे उल्टा करके फिर आपको आपने इसको बंद करना है। तो बंद कैसे करना है ये देखिए, एक फंदा आपने पीछे का लेना है, एक फंदा आगे का, और दोनों फंदों का एक कर देना है, ऐसे एक कर दिया। फिर आपने एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा इधर से, फिर उसको बुनना है ऐसे दोनों को, फिर पीछे से आपने इस फंदे को ऐसे ऊपर से निकालना है। अब फिर एक ये काम ना आराम आराम से होगा, ऐसे जल्दबाजी कोई नहीं है। दोनों फंदे बुन लिए, इस फंदे को लिया और उस फंदे से उतार दिया, ये फंदा बन गया। फिर एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा इधर से लेना है, दोनों को बुन लिया ऐसे और ऊपर से निकाल दिया। इसको बंद करना कहते हैं। सिलाई नहीं आती सुई से, ऐसे ही बंद हो जाता है तो लगता है कि जैसे सिलाई की हो, ऐसे ऐसे बनना शुरू हो जाएगा जी, ऐसे तो उल्टी तरफ से भी बहुत सुंदर आएगा। मैं सारे फंदे बंद कर कर करके आपको दिखाती हूँ। एक फंदा पीछे सा पीछे का पकड़ो और एक आगे का ऐसे, और इसको बुन लो ऐसे आराम से, और पीछे वाले फंदे को इससे उतार दो तो ये बंद होता जाएगा। तो मैं आपको बंद करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, ये थ्रेड इधर आ गया है, इसको कट करके इसको सुई में डाल के इसी के अंदर ही आप लगा देना। और ये देखिए इसको सीधा किया है मैंने, तो ये बन के बूट जराब तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अब मैं इधर से इसकी सिलाई कर दूंगी और ये न्यू बॉर्न बेबी को बड़ी आसानी से आ जाती है। ये देखिए ऐसे सिलाई आई है, इसकी भी दिखाती हूँ, ऐसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से सिलाई हुई है, बिल्कुल नहीं। 6 लाइनें इधर हैं, 6 इधर हैं, तो 12 होगी, तो इसका पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बनी है। तो इसको ऐसे ही बनाइए, ऐसे सिल लीजिए। अब मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में इसमें डोरी डालना बताऊंगी। अगर डोरी नहीं डालेंगे तो फिर ये बच्चे के पैर से निकल जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, मेरे डिज़ाइन को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप कीजिए और कमेंट्स भी कर सकते हैं आप मुझे, और बेल के बटन को भी दबाइए। थैंक यू।